सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से ये भी कहा गया है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह अब नारा बदल जाएगा बीजेपी का और नारा लगने लगेगा मेरा परिवार भागता परिवार, जिस तरह से विधायक ने आज एंट्री ली है समाजवादी पार्टी में, कैसे जवाब देंगे इसका आप? देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि उनको भी मालूम है कि जमीन उनकी कहां पर है। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि जितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीती थी और आगे भी जिस तरह से हमने सेवा की है वैसी सेवा करते रहेंगे। उनके पार्टी में कोई भी ज्वाइन करे उससे भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह से लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की और खास के मुख्यमंत्री जी की जो बढ़ी है, पिछले 5 सालों में जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ मिलजुल के काम किया है, जिस तरह से स्टेट को जो विकास के रास्ते पर लाकर खड़े। देखिए एक दो विधायक इधर उधर अगर जाते हैं उससे पार्टी पे थोड़ी फर्क पड़ता है। पार्टी जो है वो चलती है आइडियोलॉजी से, पार्टी चलती है जो पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है, पार्टी के जो सरकार का जो प्लान होता है। सरकार का प्लान क्या है कि गरीबों को एम्पावर करो, मजबूत बनाओ, तो गरीब वहां एम्पावर हुआ है। अब एक अगर एक कोई विधायक हमारा या किसी और पार्टी का अगर समाजवादी में जुड़ता है तो उससे थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी। स्ट्रेंथ तो बढ़ती है जब जमीन में आप लोगों का कितना मनोबल बढ़ा के रखा है, जमीन में आपकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, आपके पार्टी के जनाधार कितना बढ़ा है, आपकी पार्टी का लोगों के बीच राजीव राजी, जमीन पर जो काम करता है लोकप्रियता उसी की बढ़ती है। कितना भी बीजेपी और बीएसपी के लोगों को आप शामिल कराए, साइकिल चलेगी इससे राजीव राय जी? चलिए, बताया जा रहा है राजीव राय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एमएच खान साहब, आज तो बड़े मायूस होंगे आप, मतलब आपकी सारी हंसी सारी खुशी सब कुछ छीन लिया समाजवादी पार्टी में 6 विधायक बीएसपी के शामिल हो जाना, कैसे बयां करेंगे अपने दुख को आप? एमएच खान जी, क्या बता हमारे भाई क्यों विधायक जो जिनको हमने पार्टी से पहले उनको ये लगे ले रहे तो हमको मायूसी किस बात की है? तो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है तो हमने पार्टी से निकाला है, वरना मेंबरशिप भी चली जाती अगर सस्पेंड किया होता था। हमने पार्टी से इनको 1 साल पहले निकाल दिया था, जब राज्यसभा का क्रॉस वोटिंग करने लगे, बेईमान करने लगे, पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया, इन बेईमान लोगों को हमने पार्टी से निकाला है। अब बेईमान को और चोर को अगर समाजवादी पार्टी देखती है तो वो जाना है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाए, हमको क्या दिक्कत है? हम तो खुश है कि हमारी पार्टी से बेईमानों का सफाया हो गया, जाओ जहाँ पर दिया जाना जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रही, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, कहीं ठिकाना नहीं था बेईमानों की पार्टी में। राजीव राय जी वो कह रहे हैं बेईमानों को पार्टी से निकाल दिया 1 साल पहले, अब उनको समाजवादी पार्टी अपना रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे वहाँ बेईमान थे उसको बाहर कर दिया, तो उनके बाहरियों से ठीक है। राजीव राय को जल्दी ही जोड़िए आप, उनके पास मैं चलूंगी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजय त्रिवेदी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, खास तौर से बीजेपी की ओर से बार बार 300 पार का नारा दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी में अगर इस तरह से बीएसपी के बागी 6 विधायक शामिल होते हैं और एक बीजेपी के विधायक भी शामिल होते हैं, तो इसके कुछ संकेत हैं क्या उत्तर प्रदेश के लिहाज से? संकेत यही है कि विधायकी का चुनाव जीता था ना, ठीक है, ये सवाल मैं लेकर आती हूँ। विजय त्रिवेदी जी आप जवाब दीजिए। जी चित्रा जी, इसका संकेत सिर्फ यह है कि चुनाव करीब आ गए उत्तर प्रदेश में। ये जो विधायकों की आवाज जी है, ये चुनाव आते ही चलने लग गए, खासतौर से वो विधायक जिनको ये मैसेज मिल रहा हो कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो अपने लिए दूसरी जो पार्टी है वो उन विधायकों पर नजर रखती है जिनसे उनका कुछ इजाफा हो सके, वोट बैंक में कुछ सीटों का इजाफा हो सके, और ये सब पार्टियां चुनावों में कर रही हैं।
अभी आपने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो जफर इस्लाम साहब बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर था, पार्टी ने कितने लोगों को पोच किया वहां पर टीएमसी को लेकर, उनको लाते हैं। और फिर ये जुबान भी सबकी रहती है, जब आपकी पार्टी से जाता है तो वो बेईमान होता है, कमजोर होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, और जिस पार्टी में आ रहा होता है उसके लिए वो बहुत बड़ा नेता होता है। लेकिन ये सब चुनावों का खेल है, चुनाव में जिसको टिकट जहां से मिल जाए, जिस पार्टी से जो टिकट हासिल कर ले उसको, और जिस पार्टी को जो पोच कर सके वो करे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये करती रही, उत्तराखंड में उन्होंने किया, पश्चिम बंगाल में ये किया, उत्तराखंड की तो आधी सरकार कांग्रेस से बनी हुई है, वहां पर विधायकों को आपको याद होगा ये अब, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, टीएमसी आपने ले लिए, अब वो जब सरकार नहीं बनी तो वही विधायक वापस टीएमसी में चले गए। तो ये सब एक्सरसाइज हो रही है ये, लेकिन चिंता का विषय हो सकती है। और अभी मुझे जैसा पता है, शायद जफर इस्लाम साहब को तो ज्यादा जानकारी होगी, कि भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 100 विधायकों के टिकट काटने वाली, ये तो अभी शुरुआत हुई है, आज एक विधायक गया, हो सकता है बहुत सारे जाए। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से नहीं आएंगे, हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी बहुत सारे विधायक आ जाए। तो ये सिर्फ मैसेज है कि अब चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, और ये आया राम गया राम का जो हिस्सा है, जो जब तक टिकट ना मिल जाए सबको, तब तक ये चलता रहेगा, और सब पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश करती रहेंगी।